अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको साबूदाना फालूदा बनाना बता रही हूँ विद जेली कस्टर्ड, जिसके लिए मुझे आधा लीटर दूध लगेगा। और मिठास के लिए शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने 150 ग्राम की इतनी शक्कर ली हूँ। और ये आधा कप साबूदाना है जिसे मैंने एक घंटा पहले पानी में भिगा दी थी, ये देखें। और ये तीन कलर की जेली है, ये रेड कलर में है, ऑरेंज है और ग्रीन। ये तीन कलर की जेली है जिसे मैंने जमाने के बाद में इसे छोटे छोटे पीस कट कर दिए। ये जेली है और कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर हमको 2 चम्मच लगेगा। ये देखिए 2 चम्मच कस्टर्ड। अब आप इसे चाहे दूध में घोल ले या पानी से, मैं ज़्यादा करके पानी से ही इसको घोल तैयार करती हूँ। आइए अभी यही देखिए, इधर मैंने एक गिलास पानी गरम करने के लिए रख दी हूँ। ये देख, जब पानी में जोश आएगा तब हम इसमें ये साबूदाना डाल देंगे। ये देखिए पानी में जोश आ गया है, अभी हम इसमें ये साबूदाना डाल देंगे। धीरे धीरे चम्मच से हम हिलाएंगे। ये अभी जैसे सफ़ेद सफ़ेद दाने दिखाई दे रहे हैं तो वो फिर पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। और ये चम्मच जो आपको पीलापन लग रहा है, ये कस्टर्ड में से जो मैंने चम्मच निकाली वही है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। जब ऐसा आपको दिख रहा है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा। इतनी देर पकाना है। ये देखें इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगता है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होने के लिए। ये देखें बस इसको थोड़ी देर के बाद में मैं इसको पानी पूरा छान दूंगी। और ये बस इस तरीके से ये हमको ट्रांसपेरेंट चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा जो कहीं कहीं पे सफ़ेद दिख रहा है ये भी थोड़ी देर में पक जाएगा और मैं इसको उतार के पूरा पानी छान दूंगी। ये देखें साबूदाना हमारा पूरी तरीके से पक गया। मैंने इसको पानी में छान कर इसका पानी निकाल दिया। ये देखें ये जो कहीं कहीं सफ़ेद दिख रहा है ये अभी इस भाप से ही ये ट्रांसपेरेंट पूरा हो जाएगा। ये हो गया है। अभी दूध में मैं शक्कर और कस्टर्ड डालकर पका रही हूँ। दूध को मैंने पहले ही गर्म कर चुकी थी, अब इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। मैंने पूरी 150 ग्राम इसमें शक्कर डाल दी है क्योंकि अभी ये पकेगा, इसमें हम कस्टर्ड भी डालेंगे और फिर बर्फ़ भी हम इनको इसमें डालना है, तो इसलिए मैंने मिठास थोड़ी सी 150 ग्राम पूरा रखी हूँ। आधा लीटर दूध है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर घोल तैयार कर रही हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल 2 ही चम्मच ली हूँ। बस ज़्यादा हमको गाढ़ा नहीं करना है, फालूदे की तरह से थोड़ा सा ये रहेगा। आप कोई भी कलर ले लीजिए, ग्रीन कलर में भी मिलता है, पिस्ता कलर में मिल जाता है, पिंक कलर में भी कस्टर्ड पाउडर मिल जाता है। मैंने वैनिला लिया है येलो कलर में। इसको धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे। ये देखें दूध में जोश आ गया है। अब जो मैंने कस्टर्ड पाउडर पानी में मिक्स की थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। कभी भी कस्टर्ड की कोई चीज़ बनाएं फौरन चम्मच से उसको मिक्स करते जाएं। देखें कितना अच्छा कलर आया है। दूध भी देखें सिर्फ 2 चम्मच बहुत हो गया, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है आपने। इसको धीमी आंच पे 2-3 मिनट पकाएं आप। ये देखें हमारा कस्टर्ड
अच्छे से तैयार हो गया है, कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और जैसा हमको चाहिए था वैसा तैयार है। देखिए बस ये इतना होना चाहिए। एक बात मैं और आपको बता दूँ, कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड विद जेली भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से। आपने ये इस तरीके से कस्टर्ड तैयार कर लिए, अभी इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। आप अपनी मनपसंद के तमाम फ्रूट कट करके एक बॉल में डाल दें और उसके बाद में उसमें ये इस तरीके की जो जेली मैंने रखी है, ये तीनों जेली या एक कलर की जेली आप वो फ्रूट के ऊपर डाल दें और उसके बाद में ये जो कस्टर्ड आपने तैयार किया है ठंडा होने के बाद में इसको उसके फ्रूट के ऊपर डाल दें तो आपका फ्रूट कस्टर्ड भी जेली तैयार हो गया। एक ही चीज़ से आपकी दो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। चलिए अभी इसको हम ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर, तब तक के हम गिलास तैयार कर लेते हैं। पहले आप इस तरीके से इसमें बर्फ डाल दें, आइस। आइस डालने के बाद में आप इसमें थोड़ी थोड़ी सी जेली डाल दें। एक कलर की डालना है तो आप एक कलर की भी डाल दें, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि दो तीन कलर की आप डालें, आप एक कलर से भी बना सकते हैं। दो तीन कलर होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये देखिए ये हो गया। अभी इसके अंदर हमने ये साबुदाना हमने तैयार किया है ये एक एक चम्मच डाल दें। साबुदाना वैसे भी ये ठंडी चीज़ है, ठंडा शरबत हम बना रहे हैं उसमें ये चीज़ डाल देंगे और भी अच्छा बनेगा हमारा। अभी इस तरीके से डालने के बाद में आपने ये जो हमने कस्टर्ड तैयार किए थे इसको डालेंगे। ये देखिए अभी ये गरम है, आपने इसको बहुत ही ठंडा होने देना है, उसके बाद में फिर हम इसको इसमें डालेंगे। और ये जो मैंने साबुदाना इसमें डाला है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था और इसको ठंडा करना है आपने फ्रिज में। ये बनाने के बाद में आप फ्रिज में रख दें और जब आपको इसको पीना है शरबत को तब आप इसे फ्रिज से निकाल कर ठंडा करके और अच्छे से बनाकर पी सकते हैं। ये देखें आप, ये देखें अभी हमारा कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अभी इसको हम इसमें ये देखें ये देखें ये देखें इस तरीके से आपको इसको चिल करके पीना है। ये देखें ये आपका ये देखें कस्टर्ड जेली साबुदाना हमारा जो है शरबत तैयार हो चुका है। अभी आप इसे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आपको जैसा मैंने बताया है एक ही रेसिपी से आप दो रेसिपी कर सकते हैं। कस्टर्ड तैयार करके आप फ्रिज में रख लें और तमाम अपनी पसंद के फ्रूट कट करके और जेली उसके ऊपर डाल के फ्रू हुई कस्टर्ड डाल दें और ये इस तरीके से बनाना है तो आपने साबुदाना पहले से तैयार करके रख सकते हैं क्योंकि साबुदाने को पकने में बहुत वक्त लगता है। अभी आप मुझे ये बताइए कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसा लगा ये आज का शरबत मेरा,
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।